किसान भाइयों, आज हम पुरकाजी की तरफ जा रहे हैं और ये बप्पा पार कर दिया, आ गए धीरेडी बेलड़ा। बेलड़े का मोड़ आ चुका है। यहाँ एक पेड़ है बहुत पुराना, इसकी मोटाई और ऊंचाई देखना भाइयों, आप देखे दूर से ही चमक रहा है, इसकी वजह से सड़क बंद है। ये देखिए बहुत जबरदस्त पेड़ है भाइयों, ये देखिए, ये बाई तरफ धीरेडी का रास्ता है और ये सीधा मेलडे का, और हम बाई तरफ घूम के इस पेड़ की वजह से ये रास्ता घुमावदार बना दिया गया है। आज पुनीत मेरे साथ है। हेलो, मैं और पुनीत दोनों जा रहे हैं ये लश्कर की तरफ। देखिए क्या शानदार लोकेशन है भाइयों, यहाँ पर बड़ा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि मोड़ है और थोड़ा नेड़ा रास्ता है, कई बार टकराने का भी खतरा रहता है। भाइयों ये नहर के किनारे की सड़क बहुत बढ़िया है, कोई गड्ढा नहीं है। अगर पुरकाजी हम मुजफ्फरनगर होते हुए जाते तो वहाँ भीड़ भड़का था, हालांकि हाईवे भी बढ़िया है लेकिन वहाँ ट्रैफिक बहुत है और यहाँ बड़ी शांति है। हाँ अगर यहाँ कोई पंचर या कोई दिक्कत आ जाए किसी मशीनरी में तो मदद मिले, 10-12 किलोमीटर तक कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। बाकी वैसे राम का नाम लेके चलो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है और संभल के चलाएं। ये अचानक मोड़ आ जाते हैं, कई दिन से हमें कई गांव के किसान बुला रहे थे, आज हमने मौका निकाला, चलो आज चलते हैं। वहाँ टंच विधि का गन्ना है और कुछ ट्रैक्टर हैं जिनकी वीडियो बनानी ज़रूरी है। भाइयों अब हम खोड़े में पड़ गए हैं, ये धीरे धीरे देखते जाइए। ऊंचे नीचे रास्ते हैं सब, ऊबड़ खाबड़। लोकेशन देखिए आप, कौन क्षेत्र बन शुरू हो गए हैं, नहर की तलहटी दिखाओ। इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही हैं, भाइयों देखते जाइए। यहाँ अगर रात को आना हो तो संभल के आना,
वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार गाड़ियां धोखा दे जाती हैं। बाइक है, बाइक में भी पंचर हो सकता है। तो यहाँ कितने कितने किलोमीटर तक कोई मिस्त्री या कोई गांव नहीं मिलेगा आपको। एक बियाबान जंगल सा है, दिन की बात अलग होती है। एक दिन मैं बबलू आ रहे थे, बबलू ट्रैक्टर पे था, रास्ते में ट्रैक्टर, ये देखिए कितनी गहराई में नहर है, हालांकि पानी अब बंद है, बहाव बंद हो गया है। ये देखिए किसी गांव का पल्ली तरफ बांध है, भाई वाह। ये देखिए लोकेशन, अरे भाइयो ये तो ट्रक पलट गया। हरदवापुर काजी लक्सर रोड आ गई, इधर ट्रक पलटा हुआ है। भाइयो हम पुरकाजी का पुल पार कर गए हैं, उससे भी आगे निकल गए, लक्सर रोड थी वो भी पार कर गए, अब हरिद्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। लंबा सफर है आज हमारा, नहर का पानी बंद है। ये बोर्ड लगा है चौधरी चरण सिंह कावड़ नहर पटरी मार्ग रूट की 23 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है। अब ये सड़क बेकार आगे मंदा आराम से टूटी पड़ी, अब सड़क नवी आ गई है बिल्कुल। अब ये बिल्कुल खोड़ा आ गया आगे, ये जो रोड थी ये बंद हो गई, खत्म हो गई। नहर में देखे भाई अब पानी की नीला रंग है, बिल्कुल रुकी पड़ी है। अब हमें कोई आगे मिलेगा उनके गांव में जाएंगे हम। इधर बुग्गी झोटा भी चलता है, बाप रे सड़क खत्म। देखिए कितनी धूल चढ़ी हुई है पेटों पे, इस टूटी सड़क का कारण है। अगर बरसात हो जाए यहाँ तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आइयो इधर बाईं तरफ कोई गांव है दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहर के किनारे, और हमें अभी और आगे जाना है। इधर कोई आबादी दिखाई दे रही है, देखिए क्या बड़ी क्रेन गुजर रही है। भाइयों सड़क देखिए, पहले दूसरे गियर में चलती गाड़ी, हम तो कूदते आ रहे थे यहाँ पर, क्या बताएं। सड़क फुट्टी मिल गई, बहुत बुरा हाल है। यो गन्ना देखिए, बूढ़पुर गांव है पुरकाजी से आगे। देखो फसल
फसल गिरी पड़ी है, किसान का कितना नुकसान है। कहाँ ला रहे हो, सारे कला खाओगे। ये देखिए गन्ना क्या जबरदस्त खड़ा हुआ है, गोरे का पानी। बाप रे, ये गोरे का खेत है, गांव का पानी आता है, लोट आता है भाव का पानी। ये बूढ़पुर गांव है, ये देखिए क्या शानदार महल सा मकान है इनका। ये लड़के तो जो बाइक पे जा रहे हैं आगे, ये हमें इस रास्ते से लाए हैं निकाल के, उधर नहर की तरफ रास्ता बंद था। भाई ये कोठी देखिए क्या शानदार मकान है यहाँ। भाइयों ये जो दो लड़के जा रहे हैं, ये हमें बुला के लाए, अब ये रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड की सीमा में घुसने पर पुलिस रोक के वापस करती है। ये इतने उस्ताद हैं, हमें गांवों गांव निकाल के अपने गांव की तरफ लेके जा रहे हैं। वीडियो बनवाएंगे ज़रूर। जंगल में क्या शानदार कोठी बनाई है किसान ने भाइयों।